So hello student, this is exercise 3.6, class 10th linear equation in two variables. So now I have written the first question. You know, in the previous exercises we are seeing that variables are in the numerators. All the variables exist in the numerator part, but here you can see it is in denominator. Then how we can handle these equations and how can we find the value of x and y. So whenever we have such type of condition कि आपको दिख रहा है कि variable नीचे आ गया है और सभी में आ गया है, right? तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप? You can do one thing, okay? One upon x, let it is a. One upon y, it is b. हम उसको suppose कर लेते हैं, इसको कि जो one upon x है वो a है मेरे लिए और 1 अपॉन y वो मेरे लिए b है, ठीक है? जैसे ही आप सपोज करेंगे देन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस 1 अपॉन x हियर. देखिए पुटिंग में बड़ा ध्यान रखना है, जब आप पुटिंग करते हैं a तो a ऊपर ही आएगा क्योंकि आप यहां पर पुट कर रहे हो 1 अपॉन x, 2 अपनी जगह ही रहना है. तो अब ये a अपॉन 2 हो गया प्लस ये b अपॉन 3 हो गया, क्योंकि यहां पर बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो 2 को भी ऊपर ले जाते हैं, वो गड़बड़ हो गया. फिर यहां पर आ जाता है कितना, 1 upon x a upon 3, यहां कितना आ गया b upon 2 और ये कितना हो गया b हो गया, करेक्ट? अब हमारे सामने ये फायदा हुआ कि वेरिएबल्स आर ऑन द न्यूमरेटर. अच्छा कुछ बच्चे अब ये सोच रहे होंगे सर x का क्या होगा, x हम बाद में देखेंगे जब हमारे पास a और b की वैल्यू निकल आएगी, तब हम यहां पर पुट कर देंगे a और b की वैल्यू और x की वैल्यू में फाइंड कर लेंगे वहां से, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, समझो स्टेप्स को समझना बहुत जरूरी है. अब एक काम करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी ये फर्स्ट थी और ये सेकंड है, ये एक्चुअली में हम इसको थर्ड दे देते हैं नाम, अब ये फोर्थ. अब जो थर्ड वाली है इसमें थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं और इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, न्यूमरेटर यहां से खत्म हो जाएगा. अच्छा ये आ गया 6 इस वाली इक्वेशन में, तो कितना आ जाता है ये 3 और ये हो जाएगा तुम्हारा 2b और यहां पर आ गया ये 2. अब इस इक्वेशन को थोड़ा और हमने सही कर दिया तो ये हमें ये मिल गई. अब मैं ये थर्ड ही कर देता हूं क्योंकि एक्चुअली में थर्ड को ही मैंने वहां पर मॉडिफाई करके लिख दिया, ठीक है? ऐसे ये भी कर देते हैं, ये कितनी हो जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ये 2a plus 3b is equal to, ये 13 आएगा, ध्यान रखेंगे. क्यों? क्योंकि जब 6 आएगा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 13 बचेगा बस. इक्वेशन आ गई मेरे पास. अब देखो क्या करना है, कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो? आपके पास तो बहुत सारे ग्राफिकल है, ग्राफिकल तो सही नहीं है यूज करना, ग्राफ चाहिए. एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, कोई भी यूज कर सकते हो. वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करोगे बहुत आसान रहने वाला है, बी करना है आपको पता है, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा. ए के नीचे क्या लेंगे हम, 2 3 और 12 13, बी के नीचे कुछ-कुछ याद आ गया होगा आई थिंक. अब क्या करना होता है, मैंने आपको याद दिलाया कि ये ऐसे ऐसे करें, तो ए की वैल्यू कितना आ गया, this is 36 और ये 26, b कितना आया 39 और 24, minus 1 ये 9 minus 4, a की वैल्यू निकल जाएगी यार, ये आगे 10, b 15 ये 5, करेक्ट है? अब कुछ नहीं करना है, 10 यहाँ पर एक बार इससे कंपेयर हो गया, एक बार इससे कंपेयर हो गया, एक बार रिवीजन ही करा देता हूँ इसका ना, रिवीजन ही हो रहा है हमारे लिए. a upon 10 is equal to minus 1 upon 5, तो इससे a की वैल्यू कितनी आई, minus 2 आ रही है, b की वैल्यू कितनी आएगी, minus 3, तो दो आ गई, नहीं आ गई a और b. अब देखो मैं यहां कर देता हूं, समझ लेना, a की वैल्यू कितनी आ गई, minus 2, तो हम क्या करें, हमें x, a की थोड़ी निकालनी थी, हमें तो x निकालना है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1 upon minus 2, ठीक है, 1 upon y, b कितना, minus 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके समझ लो, क्योंकि मैं तो डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लो, तो इस तरह से x और y की वैल्यू अपने हाथ में आ गई. इजी.